नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरलिसिस पेशेंट जिनको चलने में दिक्कत हो रही है उसको किस तरह से वो सॉल्व कर सकते हैं अपने घर के अंदर तो कुछ चीजों का ध्यान देना है उनको मैं आपको बताऊंगा और आपने उनको फॉलो करना है अगर उसको करने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम रह गई है तो मैं पहले ही कहता हूं कि मैं अवेलेबल हूं आप मेरे पास आ सकते हैं और पूरी टीम है तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और कोशिश करते हैं कि आज इस वीडियो के एंड तक आपका चलना बिल्कुल परफेक्ट हम कर दें कोर्ट मैंने उतार दिया है अब आपने ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ मेरी लेग्स पे तो आपने क्या करना है आपने किसी दीवार का सपोर्ट ले लेना है एक हाथ अपना दीवार पे रखा अब आप क्या करोगे अपने एडी पे चलना है अपने एडी पहले जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है फिर पंचा लगाना है जितना स्लो करोगे उतना अच्छा बट आपने ध्यान है और चीज का और देना है देखो मेरी इस टाइम दोनों लेग लेग सीधी है। सीधी हैं ये वाली भी है लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी मैं ऐसे नहीं चल रहा देखो नीज अगर मैं बेंड करता हूँ तो मेरी चाल बदल गई ना तो आपने अपने नीज को जितना हो सके सीधा रखना है घुटना अपना सीधा अगर ये मुड़ मुड़ा हुआ है तो आप गलत हो तो आप अपना एक कदम निकालोगे क्या चेक करोगे एडी जमीन पे लगी नहीं लगी अगर नहीं लगी जैसा पैर पड़ रहा है पढ़ने तो कोशिश करो कि एडी पे जाए ठीक है बट मेरी टांगे दोनों सीधी होनी चाहिए कदम लंबा नहीं लेना अगर मैं लंबा लूंगा देखो मेरा घुटना बढ़ गया ना इधर वाला मैं फिर इधर से ट्राई करके दिखाता हूँ देखो अगर मैं इस टांग को लंबा क्यों लूंगा तो मेरा घुटना बढ़ जाता है मगर जैसे जैसे मैं इसे सीधा करता हूँ ये पास आ जाता है तो मैंने इतना ही पैर खोलना है जिसमें मेरी अः एक टांग सीधी रहे दोनों टांग सीधी रहे अगर ये पेंड करूंगा लंबा जा रहा है तो सीधा सीधा रखना है दोनों को रखा अब मैं इसको फिर खोलूंगा उतना ही खोलूंगा जितना मेरा दोनों पैर सीधे जाए अब प्रॉब्लम क्या होती है एक पैर में दिक्कत है तो जो हमारी चाल है ना वो एक स्टेप लंबा हो जाएगा एक छोटा जाएगा एक लंबा जाएगा एक छोटा जाएगा अगर मैं लेग्स को सीधा रखता हूं तो, तो हमने क्या करना है जो छोटा वाला है ना हमने उसके हिसाब से चल रहे तो हम जहाँ हमारा शूज़ खत्म हो रहे हैं पैर ख़त्म हो रहे हैं हम उसके पास ही अपना पैर को रखेंगे अब जैसे ये पैर पंजे देखो पंच खत्म हो रहा है ना उसके बिल्कुल साथ में मैंने अपना पैर रखा अब मेरी लेग्स दोनों सीधी हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है और मैं अगर ऐसे चलता हूँ तो हम प्रॉपर तरीके से चल पा रहे हैं जब आप ऐसे चलना शुरू कर दो तो आपने क्या करना है छोटे छोटे स्टेप लेते रहेंगे और स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे और हमने स्पीड पकड़नी है ठीक है अब कुछ पेशेंट्स को बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है कि जब वो चल रहे होते हैं तो उनकी यू नो बॉडी आगे पीछे जा रही होती है या फिर आगे की तरफ झुके हुए होते हैं ऐसे चल रहे होते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी अपराइट स्ट्रेट रहे कंधे सीधे रहे क्योंकि अगर आप कंधे सीधे रखोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो थोड़ा बहुत फिजिक्स को समझते हैं वो समझ जाएंगे सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रहेगी अगर मैं आगे तरफ झुकूंगा तो मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ आ जाएगी और मेरे आगे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो आपने अपने पोस्टर का भी ध्यान देना है कि आपकी कमर सीधी कंधे सीधे सामने देखना है नीचे कम देखना है ठीक है अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो पेट आपका बड़ा हो तो सामने शीशा लगा लो और शीशे में अपने पैर किस तरह से जा रहे हैं उसको देखो कुछ पेशेंट्स को बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है अब उन पेशेंट की बैलेंस का भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है अब बैलेंस की एक्सरसाइज हम कैसे कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपके फर्श पे मेरे फर्श पे तो नहीं है मेरा फर्श पे तो कारपेट बिछा हुआ है तो आपके फर्श पे अक्सर टाइल और पत्थर जहाँ जुड़ता है वहाँ पर एक लंबी सी लाइन बन रही होती है आप कोशिश करोगे कि अपने दोनों पैर उस लाइन के ऊपर की कोशिश करोगे देखो को मैं नॉर्मल इंसान हूं तो भी लिए एक सिंगल पे चलना मुश्किल होता है किस लिए बैलेंसिंग के लिए कि मेरा जो बैलेंस है मैं उसे करने की कोशिश करूं तो ऐसी एक्सरसाइज करने पर हम चल वो ही रहे हैं बट अब हम पैर एक लाइन में रख रहे हैं एक के आगे इससे मेरे लिए बैलेंसिंग चैलेंज आता है और अगर मैं इसको बार बार करूंगा तो मेरी बैलेंसिंग एक्सरसाइज हो जाएगी मेरी वॉक वाली एक्सरसाइज हो जाएगी और मुझे दोनों का बेनिफिट मिलेगा यानी पैर कैसे रखना है उसका बेनिफिट दोनों लेग सीधी हैं पॉस्टर सीधा है उसका बेनिफिट और तीसरा बेनिफिट जो मुझे बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है वो भी मेरी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी तो जो पेशेंट चल लेते हैं स्टिक की हेल्प से विदाउट स्टिक की हेल्प से जिनकी चाल थोड़ी ऊपर नीचे है कभी घुटने मोड़ के चल रहे हैं कभी एक कदम बड़ा लेते हैं दूसरा कदम छोटा लेते हैं जितने भी ऐसी जो दिक्कतें आपको फेस हो रही हैं ना इस वीडियो के एंड के बाद अगर आप इसको समझ कर पॉइंट टू पॉइंट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी मैं कोई छोटा सा आइडिया देता हूँ आप एक, एक पेपर लो पेन लो स्केच पेन लो और उस पर नो पॉइंट्स लिखो पहली चीज स्ट्रेट पोस्चर ठीक है पॉइंट नंबर वन लेग स्ट्रेट रखनी है पॉइंट नंबर टू हील प्लेसमेंट फर्स्ट अपना जो एंकल है वो पहले जमीन को टच करोगे ये अगर तीन पॉइंट आप लेके चलते हो उसको अपनी दीवार के सामने लगा लो आपने स्टेप लगाया आपने अपने आपसे पूछा कि आपकी बॉडी स्टेट है आपने देखा ना सामने पर्चा लगा हुआ है तो आपने पैर उसमें देखा क्या मेरी बॉडी स्टेट है मेरे कंधे अंदर स्टेट है ऊपर की तरफ है ठीक है क्या मेरी लेग स्टेट है ठीक है अब मेरा एंकल टच कर रहा है ठीक है तब मैं स्टेप लूंगा अगला स्टेप उठाओगे रखोगे फिर से वही तीन चीजें अपने आप से पूछोगे कि मैं इनको कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं अगर कोई एक चीज भी मिसिंग है तो उसे करेक्ट करोगे यानी अगर पोस्टर सीधा करोगे लेग मुड़ी हुई है तो घुटना सीधा करोगे हील जितना हो सके पहले टच करने की कोशिश करोगे अगर नहीं हो पा रहा तो परेशानी वाली बात नहीं है जब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आपको अपने आप चेंजेस देखने को मिलेगा तो ये तीन पॉइंट सिस्टम याद रखना Most of the में, 50 में आपको उसी घंटे में आराम मिल जाएगा ये क्यों हुआ किस वजह से हुआ मैं आपको देता हूँ जब हमें होता है, तो पैर के अंदर ब्रेन का वो हिस्सा जो मैं पहले चलाता था पैर से हाथ से हाथ की मूवमेंट करवाता था वो डेड हो जाता है ब्रेन में एक नया हिस्सा इस काम को करना सीख रहा होता है आपकी उम्र आज हो सकता कि सालों, सालों, है कि चालीस साल हो पचास साल हो कोई भी एज हो आपका वो हिस्सा चालीस पचास साल की ट्रेनिंग के बाद ऐसा था बट जो नया हिस्सा को चला रहा है वो तो अभी कुछ महीने कुछ यू नो साल हो सकता है कि वो जवान है उतने उतने साल का है तो उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई है और आपका लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सा दोनों बराबर नहीं है इसकी वजह से आपको चार में दिक्कत आती है जब हम ब्रेन के साथ क्या देखते हैं कि ब्रेन हम कोई भी चीज़ बाबा करते हैं ना उसकी उसको आदत लग जाती है यानी अगर हम गलत तरीके से हमने चलना शुरू किया है तो गलत तरीके से चलने की हमें आदत लग जाती है तो अब आदत लग गई है यू नो चाल ऐसी बन गई है जबकि आप सही तरीके से चल सकते हो तो वहां पर हमें आदत को आदत से ही बदलना पड़ता है तो हमें एक नई आदत डालनी पड़ती है और आदत तब डलती है जब हम एक ही काम को बार 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 सही तरीके से करेंगे तो हमें एक सही आदत लग जाएगी तो ये प्रिंसिपल है इसके हेल्प से आप पैलेसिस को ठीक कर पाते हो तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप बेसिक समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि जब आप मेरे पास आओ तो आपको ना कैसे चलना है ये आपको पहले से पता हो किस तरह से पैर रखना है ये पहले से पता हो बॉडी को किस तरह से रखना है ये आपको पहले से पता हो क्योंकि मेरे लिए उतना आसान हो जाता है पेशेंट को कम टाइम में सारी चीज़ें समझाना अब मैं इसी के साथ आपसे भी से आज्ञा चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी बात को मानोगे उसे करोगे क्योंकि इसमें कोई भी नुकसान तो है नहीं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार